हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन हैज वन अजर्शन वन रीजन। आपको अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अजर्शन कहता है फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरिक एसिड। इट इज प्रेसिपिटेटेड एज अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो देखिए, पहले एक चीज समझते हैं कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर फॉरेन एलिमेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस या हैलोजन्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो कोवेलेंट फॉर्म में प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में बाय रिएक्टिंग विद सम कंपाउंड्स। सो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड है, हम उसे ट्रीट कर देते हैं किसी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। लेट्स से मैं यहाँ पर सोडियम पेरोक्साइड ले लेती हूँ, तो सोडियम पेरोक्साइड से रिएक्ट होते ही ये क्या बन जाता है, फॉस्फेट निकल फॉस्फेट के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, Na3PO4, ठीक है। इसको मैं ट्रीट करूंगी किससे, फॉस्फोरिक एसिड से, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। सो नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते ही कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H3PO4 पे, फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ये फॉस्फोरिक एसिड बन गया। अब इस फॉस्फोरिक एसिड के अंदर से फॉस्फेट को एज प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें बाहर लाना है। सो इसके लिए दो रास्ते होते हैं, या तो इसके अंदर हम क्या करें कि ये डाल दें अमोनिया के प्रेजेंस में इसमें हम क्या डाल दें, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट डाल दें, ठीक है, अमोनियम बाय एडिंग अमोनियम मोलिब्डेट। सो अमोनियम मोलिब्डेट क्या होता है, NH4 ट्वाइस MO, ये स्मॉल ओ है, ये O4, ठीक है, अमोनियम मोलिब्डेट। सो यहां से क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट निकल के आएगा एज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा NH4 थ्राइस PO4.12 MOO3, ठीक है। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा, येलो PPT, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ में, मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ में, मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ में। तो मैग्नीशियम मिक्सचर के साथ में करेंगे, मैग्नीशियम बेसिकली क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो ये यहां से क्या बन जाएगा आपका, अमोनिया के प्रेजेंस में सारा रिएक्शन हो रहा है, यहां पर अमोनिया भी लेंगे, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा एज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, ये इसके फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब देखो अजर्शन में क्या लिखते हैं कि फॉस्फोरस प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू फॉस्फोरिक एसिड, सही बात है। इट इज प्रेसिपिटेटेड एज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, फॉल्स है। अगर ये अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है तो हम उसमें अमोनियम मोलिब्डेट डालते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं डालते हैं, राइट। रीजन लिखता है कि फॉस्फोरिक एसिड मे बी प्रेसिपिटेटेड एज मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बाय एडिंग मैग्नीशियम मिक्सचर विच ऑन इग्निशन इज Mg2P2O7, बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं इसको हीट कर दूं, ठीक है, तो हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा, अमोनिया तो बाहर निकल जाएगा गैस के फॉर्म में, जो अमोनियम आयन के अंदर प्रेजेंट है वो अमोनिया बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहां से ये बन जाएगा Mg2P2O7, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, राइट। सो आपका अजर्शन फॉल्स है और रीजन करेक्ट है। सो आपका डी ऑप्शन यहाँ से आंसर हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शन आप इनकरेक्ट मार्क कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।